ओके तो तुम लोगों का वापस से स्वागत है एक और नई वीडियो के, वो भी माइनक्राफ्ट के। और यार आज के इस वाले वीडियो पे हम लोग माइनक्राफ्ट के हर एक इमर्जी को ट्राई करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि तुम लोग इस वाले वीडियो पे तुम लोग मेरे को सिर्फ मरते हुए देखने वाले हो, क्योंकि मेरे को एमएलजी करना बिल्कुल भी नहीं आता। और मैं तो ये भी नहीं बता पाया कि मैं अपना फर्स्ट लेवल क्लियर कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। बाकी यार तुम लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। पर वेट 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 यार, तुम लोग में से 90% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ कर दो, इट मीन्स अ लॉट। स्पेशल थैंक्स टू यूजी प्लेस जिसने ये वर्ल्ड को बनाया है। बाकी यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट एमएलजी दिया गया, तो मैं उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला। ये ईजी सेक्शन है, इसको मैं सबसे पहले ट्राई करने वाला हूँ। और यहाँ पे वेट अ सेकेंड, ये एक एक्सट्रीम सेक्शन है, ये तो मुझसे हो भी नहीं पाएगा। पहले मैं ये नहीं जानता कि मुझसे इजी हो पाएगा कि नहीं। बाकी यहाँ पे डिफ़िकल्ट सेक्शन भी है जिसको हम लोग ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पर वेट अ सेकेंड, सबसे पहले इजी तो कंप्लीट कर ले, तो सबसे पहले इजी चलते हैं, लेट्स गो। ओके तो हम लोगों का सबसे पहला जो एमएलजी है वो एक वाटर एमएलजी है, जो एक बेसिक है। और आई थिंक सो ये तो मुझसे हो जाना चाहिए। लेट्स सी, मेरे को ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। और वेट, क्या मैं उस वाटर के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ? वो भी तो एक वाटर एमएलजी होने वाला है। पर वेट अ सेकेंड, हम लोग फेयर खेलते हैं, यहाँ से जंप करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं, लेट्स गो। और वेट अ सेकेंड, फर्स्ट टाइम हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं माउस को स्पैम कर रहा था जिसकी वजह से ये हो गया। बाकी यार ये एमएलजी तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एमएलजी की ओर, लेट्स गो। ओके जो हम लोगों का नेक्स्ट एमएलजी है वो पाउडर स्नो बकेट है। और यार ये 1.19 के बाद ही आए, नहीं तो इसके बाद लावा ही होता था। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमसे पाउडर स्नो बकेट चैनल होता है कि नहीं। और यार ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मैं इसको आज तक ट्राई नहीं किया। और वे तो सेकेंड ये हो गया, वो भी एक ही बार में। यार मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये हो जाएगा। बाकी यार अब ये हो ही गया, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एमएलजी की ओर, जो कि है लावा एमएलजी, लेट्स गो। ओके जो हम लोगों का तीसरा स्टेज है वो है लावा एमएलजी। और यार मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं यहीं से अपना मरना चालू करने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं लावा एमएलजी बहुत ज़्यादा कम किया हूँ। और वेट अ सेकेंड, मैंने लावा को प्लेस कर दिया था, पर ये हुआ क्यों नहीं? आई थिंक सो हम लोगों को रीजनरेशन का पोर्शन लेना है, जैसे तुम लोग देख सकते हो मेरे को मिल रहा है, वो भी कुछ सेकेंड के लिए। और मेरे को उसी कुछ सेकेंड्स में जंप करना होगा। या एक लाइक कर दो एक होप के लिए। बाकी यहाँ पे जंप करते हैं और देखते हैं कि हमसे होता है कि नहीं, लेट्स गो। और वेट अ सेकेंड, हो गया, मैं मरने वाला हूँ। वेट, पानी। ओ वेट अ सेकेंड, मैं एमएलजी तो कर दिया था, पर यहाँ पे मैं मर भी सकता था, क्योंकि मैं लावा को वापस प्लेस कर लिया, मैं कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाया। बाकी ये वाला एमएलजी हो ही गया है, तो यहाँ से चलते हम लोग नेक्स्ट एमएलजी की ओर, जो कि है ट्विस्टिंग वाइंस। और यार वेट अ सेकेंड, हम लोगों को यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक के ऊपर ही जंप करना है। और ये मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए, यहाँ से ट्राई करते हैं। और वेट अ सेकेंड, ही फर्स्ट ट्राई में हो गया। यार मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट टाइम में कर सकता हूँ। यार लाइक कर दो इसी बात में यार, क्योंकि ये मेरे को खुद सच में विश्वास नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एमएलजी में चलते हैं, जो कि कॉब वेब, जो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इजी है मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों को एक पूरे ब्लॉक मिलता है और हम लोगों को उसी के ऊपर जंप करना है। लेट्स सी ये हो पाता है कि नहीं, यहाँ से जंप करते हैं। और वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं बैक पर्सन से करने वाला हूँ, लेट्स गो। और वेट अ सेकेंड, ये सच में हो गया यार, ये एमएलजी बैक पर्सन से कैसे हो सकता है? यार मेरे को एमएलजी करना बिल्कुल भी नहीं आता है। यार वेट अ सेकेंड, ये कोई तुक्का नहीं है, मैं वापस करके दिखा सकता हूँ। बाकी यहाँ से नेक्स्ट एमएलजी पे चलते हैं और वो मैं फ्रंट पर्सन से करने वाला हूँ, लेट्स गो। ओके तो यहाँ से जंप करते हैं और देखते हो पाता है कि नहीं, लेट्स गो। और वेट अ सेकेंड, मैंने ब्लॉक प्लेस कर दिया था और वो मैंने सामने प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से एमएलजी नहीं हो पाया। बाकी नॉर्मल करते हैं, और यार नॉर्मल तो आराम से हो जा रहा है यार, हाई एम एमएलजी गॉड नाउ। बाकी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ट्विस्टिंग वाइंस में, क्योंकि स्लाइम और हनी तो सेम है, हम लोग वो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट ट्विस्टिंग वाइंस में चलते हैं। और वेट, हम लोगों को वो प्लैंक में प्लेस करना है, तो यार यहाँ पे मैं शायद मरने वाला हूँ। लेट्स सी, यहाँ से जंप करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के फर्स्ट टाइम में होता है कि नहीं। और वेट, मैंने प्लेस तो कर दिया था, पर मैं वो प्लैंक से बहुत ज़्यादा दूर था, एक और बार ट्राई करते हैं। और वेट, मैं अब तो मैं प्लेस भी नहीं कर पाया, एक और बार। और वेट, मैं फिर से प्लेस नहीं कर पाया। वेट अ सेकेंड, लास्ट ट्राई करने वाले हैं, यहाँ से जंप करते हैं। और वेट अ सेकेंड, ये हो गया यार, मैं इस बार प्लैंक के पास भी था, मैंने ट्विस्टिंग वाइंस प्लेस भी कर दी और मैंने जंप वाला ऑप्शन भी सही टाइम पर दबा दिया। यार नाइस वन टू मी। बाकी यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एमएलजी की ओर, लेट्स गो। ओके स्टेज 10 लेदर, और हम लोगों को वेट एक ब्लॉक के प्लैंक में प्लेस करना है। जंप करके ट्राई करते हैं
और वेट द सेकंड, ये टू मच डिफिकल्ट है यार, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ट्राई लगने वाला है यार, तुम लोग मेरा डेथ देखो बस। और वेट द सेकंड यार, ये मेरा थर्ड ट्राई में हो गया, मेरे को नहीं लगा था कि ये हो सकता था थर्ड ट्राई में यार। तो इसी के साथ हम लोगों का सारा इजी वाला डिफिकल्टी खत्म हो चुका है, अब हम लोगों को जाना है मीडियम लेवल पे और वहाँ ट्राई करते हैं कि हमसे हो पाता है कि नहीं। लेट्स गो, अपना इजी तो कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों का चेक करते हैं कि सेकेंड डिफिकल्टी में सबसे पहला क्या है। और वेट द सेकेंड, ये है डिफिकल्टी और यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहले पोर्शन वाला है, ओ वेट, स्लो फॉलिंग पोर्शन। और यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों को ग्राउंड से हिट करने से पहले स्लो बॉलिंग का पोर्शन लगाना है। ओके, तो हम लोगों को आई थिंक जंप करना है और वेट, हम लोगों को पहले ही स्लो पोर्शन का फेंक देना है। और वेट, ये तो बहुत टाइम लेगा आने में, लेट्स सी यार, बहुत ज़्यादा ट्राई लगने वाले हैं इसमें, इस बार आया ही नहीं। ओ वेट अ सेकंड, मैंने इसको पहले ही प्लेस कर दिया और अपने स्पॉन पे ही मार दिया यार, जिसकी वजह से मैं सेफली तो लैंड हो चुका हूँ। और यार ये इस एक तरीके से एमएलजी ही गिना जाएगा, क्योंकि मैंने इसको तो एक ही बार में कर दिया है कंप्लीट। अब वो बात अलग है, मैं गिनने से पहले ही पोशन लगा चुका हूँ। बाकी यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एमएलजी पे, जो कि लीव एनर्जी। और वेट अ सेकंड, ये तो ड्रीम का एमएलजी है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम लोगों को उसको ब्रेक करना है और उस पानी के ऊपर लैंड होना है, लेट्स गो। और वेट अ सेकंड, इस बार तो मैं ब्रेक भी नहीं कर पाया। और वेट, ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? ओ वेट अ सेकंड, मैं इतनी देर से गलत बटन दबा रहा था, मैं यहाँ पे सेफली लैंड हो चुका हूँ। पर वेट, ये गलत है, यहाँ पे मैं एक और बार ट्राई करने वाला हूँ, इसको मैं सेफली और अच्छे से करने वाला हूँ। लेट्स गो, यहाँ से एक और बार जंप करते हैं, मैं इस बार गलत बटन बिल्कुल नहीं दबाने वाला। और वेट, फिर से वो इसी जगह में इतना अच्छा सेफली लैंड हो जा रहा हूँ, एमएलजी करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, यूजी प्लेस क्या है ये। बाकी यहाँ पे एक और बार ट्राई करते हैं। और वेट अ सेकंड, ये सक्सेसफुली हो चुका है यार, ये हम लोगों का फिफ्थ टू सिक्स टाइम हो चुका है, जो मेरे लिए तो बहुत आम बात बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि मैं पहली बार एमएलजी कर रहा हूँ। बाकी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट एमएलजी पे चलते हैं, जो कि है पर्ल इन द चेस्ट। हम लोगों को चेस्ट से पर्ल उठाना है और जंप करने से पहले थ्रो करना है यार, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे मैंने पीछे पढ़ के बताया, नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, मेरे को लग रहा था कि पर्ल क्राफ्ट करना है, जो एक इम्पॉसिबल है यार। बाकी यहाँ से जंप करते हैं और वेट अ सेकंड, पर्ल मिल गया, यहाँ इसको थ्रो करते हैं, पर्ल कहाँ है? और वेट, मैं सेफली लैंड हो गया, यस मैं सेफली लैंड हो चुका हूँ। यहाँ पे तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, ये एमएलजी हो चुका है, यहाँ से चलते हम लोग नेक्स्ट एमएलजी की ओर, लेट्स गो। ओके, तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेज है बटन क्लच। और वेट अ सेकंड, हमको करना क्या है? आई थिंक सो बटन को येलो वाले पे रखना है। ओ यस यस, हम लोगों को बटन को येलो वाले ब्लॉक पे रखना है और उसको प्रेस भी करना है यार, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना है, दोनों काम एक साथ, यहाँ ट्राई करते हैं। और वेट अ सेकंड, मैंने इसको ब्लू वाले पे प्लेस कर दिया, एक और बार ट्राई करते हैं। और वेट, इस बार तो मैं प्लेस भी नहीं कर पाया, बाकी एक वेट अ सेकंड, इसमें बहुत सारे टच लगने वाले हैं मेरे। और वेट, इस बार मैंने येलो वाले पे प्लस कर दिया था एक और बार। और वेट अ सेकंड, मैंने सक्सेसफुली उसको रख के बटन को दबा भी दिया, जिसकी वजह से ये वाला क्लच कम्प्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लच की ओर, लेट्स गो। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट स्टेज 15 है, जो कि बोट क्लच। यार थैंक गॉड इन लोगों ने बोट को क्राफ्ट करने नहीं दिया, बाकी हम लोगों को आई थिंक सो बोट को अपने से थोड़ा दूर रखना है, ट्राई करते हैं और ये देखते हैं कि हम लोगों को दूर रखने से क्या होता है, लेट्स सी। और वेट अ सेकंड, ये कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, एक और बार ट्राई करते हैं। वेट, हम लोगों को बोट को प्लेस करके सिद्ध भी करना है, लेट्स गो। ओ वेट, यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ कर लिया, ये वाला एमएलजी भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, अगर मैं एक और एमएलजी किया तो यहाँ मेरे को हार्ट अटैक भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता इसका क्या नाता है। बाकी आज की इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।